नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रेगलान लाइन डिज़ाइन टॉप टू डाउन यानी गले की ओर से बनने वाले स्वेटर में आस्तीन पे पड़ने वाले डिज़ाइन को लेके आए हूँ। इसके लिए मैंने 10 फंदे डाले हुए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, अगला फंदा सीधा और फिर उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, 3, 4, 5, 6। अगले फंदे में उल्टा और फिर इसी में सीधा, यानी एक में हमने 2 बना लिया और लास्ट फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से 3 फंदे उल्टे और फिर 6 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए 2, 3, 4, 5 और 6 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा और साइड के लास्ट के 3 फंदे उल्टे। ये हमारा थर्ड रो है। और तो अब की 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे में एक बार सीधा और फिर इसी में एक बार उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे, लपेटे हुए 6 फंदों को खोलेंगे और पहले दूसरे तीसरे को ऐसे इनको आपस में ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे आपस में इनको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और फिर 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगले फंदे में एक बार उल्टा और फिर इसी में एक बार सीधा और लास्ट के 2 फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवी लाइन और सामने से अब हम यहाँ पे पहली लाइन फिर से दोहराएंगे। अब एक फंदे में 2 बार बुनने से साइड में फंदे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। हर सीधी लाइन में एक फंदा बढ़ता जा रहा है। अगले फंदे में एक बार सीधा और फिर इसी में एक बार उल्टा और बीच के 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सातवें फंदे में एक बार उल्टा और फिर इसी फंदे में एक बार सीधा और साइड के 3 फंदे, लास्ट के 3 फंदे सीधे। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर लास्ट के 5 फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और राइट साइड 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4 और पांचवें फंदे में हम 2 बार बुनेंगे, एक बार सीधा और फिर इसी फंदे में एक बार उल्टा और फिर यहाँ पे हमें फिर से तीसरा लाइन दोहराना है। तो इन 6 फंदों को हम खोलेंगे और इनको आपस में ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और फिर इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अगले फंदे में एक बार उल्टा और फिर
इसी फंदे में एक बार सीधा और लास्ट के चार फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। नाइन्थ रो में हम फिर अपने पहली लाइन को दोहराएंगे। चूँकि हर सीधी लाइन में एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब पांच फंदे सीधे बुन लेंगे और छठे फंदे में एक बार सीधा और फिर इसी फंदे में एक बार उल्टा बुन लेंगे। अब हम दूसरी ओर करेंगे और इन छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। चार पाँच छः और छः फंदा सीधा बुनने के बाद सातवें फंदे में एक बार उल्टा और फिर इसी फंदे में एक बार सीधा बुनेंगे और फिर लास्ट के पांच फंदे सीधे। टेंथ रो और रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे हम अपना सेकंड रो दोहराएंगे, यानी किनारे के सात फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तीन चार पाँच छः और सात और बीच के छः फंदों को हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। चार पाँच और छः और किनारे के ये सभी फंदे, बाकी सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ग्यारहवां लाइन फिर तीसरी लाइन की तरह बुना जाएगा, यानी कि किनारे के तीन चार पाँच छः और छः फंदों को सीधा बुनेंगे और सातवें फंदे में एक बार सीधा और एक बार उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, छः लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे और इन्हें हम आपस में ट्विस्ट करेंगे, पहले दूसरे तीसरे फंदे को चौथे पांचवें छठे फंदे की जगह पे करेंगे और फिर इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ट्विस्ट किए हुए फंदे को सीधा बुनने के बाद अगले फंदे में पहले उल्टा और फिर सीधा और फिर सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन बनता चला जाएगा, तो आपको जितने लंबे लंबाई की ज़रूरत हो उतना आप बना लें। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।